बढ़ते आगे जो प्रदेश में बीजेपी चुनावी तैयारियों में बहुत आगे चल रही है। पार्टी ने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। पार्टी की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं, चौथी बैठक फिर टल गई है। सूत्रों का कहना है कि 3 सीटों पर टिकट को लेकर खींचतान लगातार जारी है, इसीलिए देरी हो रही है। प्रदेश में कांग्रेस वाले नेता और कार्यकर्ता फिर परेशान हैं। वो इसलिए कि बीजेपी ने अपने सारे योद्धा चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, पर कांग्रेस में फिर तारीख पर तारीख दी जा रही है, वैसे ही जैसे कमेटियां बनाने में तारीख पर तारीख मिलती रही, कमेटियां आज तक नहीं बनी। अब टिकटों के लिए भी तारीख दर तारीख आगे बढ़ रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी में कम से कम 3 जगह टिकटों को लेकर खींचतान चल रही है, हिसार, भिवानी और करनाल में। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के एक बड़े नेता अपने मुताबिक फैसला चाहते हैं। इसी कशमकश में प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, चौथी बैठक होनी थी वो फिर टल गई। जानकारों का कहना है कि प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी इतना वक्त नहीं लेती, पर यहाँ भी देरी हो रही है। इस कारण पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक्टिवेट नहीं हो पा रहे और बीजेपी चुटकी ले रही है कि कांग्रेस के नेता तो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। पब्लिक में भी ये चर्चा चल पड़ी है। कॉमेडियन प्रताप फौजदार की बात याद आ रही है, लो भाई सरदारों के भी कितने बुरे दिन आ गए, जाट भी अब सलाह देने लगे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।